हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओगी। और दोस्तों, आज हम जाने वाले सिंचन के स्कूल। पता नहीं उसके टीचर ने हमें क्यों बुलाया, क्या किया उसने, करना क्या था, जरूर मूली खा के वो टीचर के मुंह में पाद दिया होगा। यार उसका कोई भरोसा नहीं उस सिंचन का। मेरे प्यारे अंकल, कैसे हो, स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ? पहले ये बता, तू हमेशा हमको ही क्यों लेके जाता है स्कूल में? अपने मम्मी पापा को लेके जाना, और अपने ये दोस्त को लेके क्यों आया है? अगर इनको लेके जाऊंगा तो घर आने के बाद वो लोग मेरे बम के साथ। यार तो हम जाके उधर, यार हमारा बंक ठकिचकी क्यों करवा है? वो टीचर यार कैसे मारती है, हमको भी मारती है यार। एक बार चलेने प्लीज। अरे ये मेरी दोस्त लोग, इनके भी कर्ज नहीं है तो इनके भी गर्जन आप लोग बन जाओ। अच्छा, तुम लोग मेरे पापा हुए, एक है हरा पापा और एक नीला पापा है। चुप कर, चलो अब स्कूल में चलो। दरअसल स्कूल में आज एग्जाम है तो तैयार है कि चलो? एग्जाम इसने तो फंसवा दिया भैया। ओए फिकर मत कर, तेरा भाई है चौथी पास, वो पास कर डालेगा। ओए जेल, ओए वरना ओए आज तेरा भाई संभाल लेगा। ओए एग्जाम हॉल में तो आ गए, अब कोई बताएगा क्या क्या करना है? अरे किसको उठा के लेके आया सिंचन, ये तो पहले बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था। ओए भूल मत, तेरा पापा हूँ मैं, चुपचाप बैठ उधर, मुझे पता है हम लोग एग्जाम के लिए आए हैं। कुछ ही वक्त में अब हमारे पेपर सही हो गए। अरे तो तुम फिर लोग भी आ गए, चलो चलो बच्चे और उनके पेरेंट्स अब एग्जाम को शुरू करते हैं। हनुमान बजरंग बली की जय हो। क्या बोल रहा है तू? हे भैया यार, एग्जाम देते हुए भगवान का नाम ले रहा हूँ, चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओए बोल रहा है, नेम यू आर स्टेट बिगिनिंग विद ए। ये कुछ अच्छे से पढ़ने भी नहीं आता, इसमें बोल रहा है नेम यू एस स्टेट बिगिनिंग विद ए, मतलब कि हमें यूएस के किसी स्टेट का नाम लेना होगा, वो भी जो ए से शुरू हो। मुझे पता है, एंटार्क्टिका है। चुप कर, एंटार्क्टिका कोई यूएस का स्टेट नहीं है, इसको तो कुछ आता भी नहीं यार, बाप से ज्यादा यार हीरो बनता है तेरी तो। चुपचाप उधर ही बैठ। अबे यार तो तुम बताओ ना आंसर क्या है? सोच रहा हूँ भैया यार, कौन सा स्टेट होगा जो ऐसे शुरू हो। अरे यार इधर का पूछते ना यार, भारत का तो हम बता देते यार। वाह भाई वाह, तुझे बहुत पता है भारत के बारे में, तो बता तो फिर ऐसे हो भारत का किसी स्टेट का नाम। भैया यार आगरा से लेकर घाघरा तक सब कुछ बता देता है ये मुन्ना यार। भैया यार क्या आपको पता है, आप ही नहीं? लेकिन अभी इधर क्वेश्चन पे फोकस करो तुम लोग, लगता है तुम लोग तो पहले हमें फेल करवाओगे। ओए चुप कर, अमेरिका ये लिख दिया आंसर, और फेल हो गए पहले ही क्वेश्चन। अरे ये क्या, मुझे पता ही था ये फेलर लोग हैं, तुम लोग को छोड़ूंगे नहीं अगर फेल हो गए तो। सॉरी मैडम, अगली बार पास करेंगे। ओए तो मतलब कि अगर हम इधर से गिर गए तो हम लोग फेल हो जाएंगे? ओए मतलब कि और भी क्वेश्चंस है? हाँ, अभी तो हमने शुरू किया है, छोटी बच्ची हो क्या, कुछ समझ नहीं आता तुम लोग को। हे छोटे बच्चे, अपना टट्टी और नाक साफ कर, हमें मत बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल। ओए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम ओए हाउस होल्ड पेट है, इसका मतलब क्या होता है? मुझे पता कि हमारा हाउस होल्ड पेट है सीरी, चलो सीरी लिख देते हैं, हम तो पैसे गए। हाँ रुक जा यार, धल्ले कही के हाउस होल्ड पट पेट मतलब कि तेरा पेट का नाम नहीं, जो यार हम घर में पाल सकते पालतू जानवर, डॉग मतलब कि ये होता है। हाँ अभी लगता है ये नीला बिल्ला अच्छा लिख रहा है। अरे 3 मार्क्स मिल गए, लेकिन लगता है अभी भी हम लास्ट पे है। ऐसे घर बैठ कर हम लोग फर्स्ट हो जाएंगे और गिरने वाले थे। अगर गिर गए तो उसके बाद पिछवाड़े में डंडा मिलेगी तुम लोग को। अरे यार कितना चिल्लाती है मैडम, हम फेल नहीं होंगे, बताए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। नेम अनर लाइन, अब ये अनर लाइन क्या होता है? अबे वो अनर लाइन नहीं है, अनर लाइन है। अबे किसको उठा के लेके आया सिंचन? तुम फिकर मत करो बू, मेरे पास आंसर है, किंग फिशर एयरलाइन का। नहीं ये क्या हो गया, हम तो फेल हो गए। नहीं ये क्या, हम गिरने वाले हैं। ओए सेकंड चांस, हमें सेकंड चांस चाहिए प्लीज। हाँ तुम लोग को फेल नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रिंसिपल आखिर में मुझे डांटता है, अगर फेल हो गए तो फिर से नहीं छोड़ूंगी, इस बार ऊपर लेके आया हूँ। हम तो ऊपर आ गए है यार, हम तो फर्स्ट हो गए। अरे तुम लोग फेलर हो इसलिए ऊपर लेके आया हूँ, ताकि फिर से मत गिरो। ओके सॉरी मैडम, थैंक यू। अब ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अबे यार ये आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चल कोई बात नहीं, इसलिए तेरा भाई आया है ना। ओए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। नाम अजोरिक सिंह। ओए अजोरिक सिंह, ओए ये तो हरभजन सिंह का भाई का नाम है बन्ना। ओए लिख दे उसके पास एक स्कॉर्पियन गड्डी है। हे भैया स्कॉर्पियन गड्डी? अरे भैया वैसा नहीं होता, फिर भी यार आंसर मिल जाता। हमने यार स्पेलिंग गलत कर दिया भैया, यार स्कॉर्पियो लिखते तो मिल जाता यार। ये देख कल तो यार सच में बहुत ही बुद्धू निकले, फिर से गिरने वाले थे। मेरे एक दोस्त तो गिर भी गया। अबे हमने तो ऐसे ही एक सेक्शन को पास कर दिया। तुम लोगों ने खुद से पास नहीं, मैंने तुम लोगों को पास किया है। अब सेक्शन 2 में चलो। ओके मैम, नेम अमंत। अबे यह तो मुझे भी पता है नेम अमंत, लेकिन किस मंथ का नाम लिखे तुम लोग? स्पेलिंग आता है क्या सितंबर का? सितंबर के नेम स्पेलिंग मुझे पता है, ACPTMBRE सितंबर। ऐसा नहीं होता, ये होता है शायद, है कि नहीं आगे? हे भैया यार सितंबर, अरे यार लग तो अच्छा ही रहा, लिख देते हैं। नो मार्क्स मिल गया, हम तो यार ऊपर ही चढ़ गए। हे यार इतना मेहनत करने के बाद आखिरकार हमने एक यार सही आंसर दे दिया। ये लिखते ही अब हम लोग फॉर्म में आ रहे हैं। हाँ लगता है अब यार एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रही है। अरे नेमा कंट्री, ये क्या होता है? नहीं भाई कंट्री बिगिनिंग विथ एस, मतलब कि हमें एस से जो नाम कंट्री का शुरू होता है वो लिखना की। और मुझे पता है श्रीलंका, और श्रीलंका का मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, और यही है ना स्पेलिंग होगी। है भैया यार आपने तो कमाल कर दिया, एक और हमने क्वेश्चन का पास कर दिया है आंसर। लगता है अभी तो हम तेज हो रहे ही। अभी ये दो ढक्कन लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अरे यार बेटे तुझे पता नहीं, बाप बाप होता है बेटा बेटा। हाँ आज अभी तेरा अभी नाक से जो घी बह रहा है ना, उसको मैं लाल लाल खून से चेंज ना कर दूँ, समझ गए ना? नेम एन ओशियन, इंडियन ओशियन, और सबसे हमारा भारत महान लिख दिया। मेरे आंसर तो सही में सही होते जा रहे हैं, लगते ही अभी हमारे बापू लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं। और आप तुम लोग भी फोकस करो। हम लोग भी फोकस करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन जो है। आसान नहीं है मैंने बोला ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर अब तू दे। यार इसको पढ़ना भी नहीं आता, मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। नेम अस स्टार्ट बगने ही हुई तो हम, अब बता इसका आंसर। अबे इसका होता है US स्टेट, मतलब कि जो US का स्टेट हो M से शुरू हो, तो मुझे पता है मैराडोना। मैराडोना ये भी कोई भी US का स्टेट है क्या जो M से शुरू होते है? अबे लिखने में क्या ही जाता है, लिख देता है। अरे ये तो फेल हो गए। लगता है ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन थे। हार कुछ नहीं था, तुम लोगों की वजह से गिर गए, बॉय फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हे इतना सारा मेहनत किया और इन लोगों ने एक आंसर देकर मेहनत पानी में डुबा दिया। अबे ऐसा कोई नहीं था, वो बहुत ही मुश्किल था। चलो चलो फिर से शुरू करते हैं। नेम समथिंग यू ईट विथ, हम जिससे खाना खाते हैं उसका लिखना है। हम खाना खाते हैं चम्मच से, चम्मच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चम्मच को इंग्लिश में बोलते हैं स्पून। ऐसी छोटी मोटी कोई सा है ना। अरे यार तुम बच्चे लोग धोना, वो भी यार एकदम यार हम डड्डी लोग को धोना पड़ता है ना भैया? हाँ यार बिल्कुल यार, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन देने के बाद तो मुझे तो यार एकदम हंसी आ जाती है। अरे कहाँ से आ गई, मैंने बोला एकदम हिंदी में, इसीलिए तुम लोग कहा है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। नेम वन ऑफ द फोर सीजन्स। मुझे पता है समर। तुझे समर और विंटर के बाद अब कोई एक सीजन पता है क्या? भैया समर विंटर और विंटर के बाद वो पता नहीं भैया यार। चलो आंसर सही हो गया भैया यार, उसमें ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है लेकिन अभी भी हम लोग लास्ट पे है, देखो रेस पे, हमें आगे जाना होगा और भी एकदम क्वेश्चन के आंसर सही देना होगा। नेपाल नेचुरल डिजास्टर, अरे मुझे पता है भूकंप लिखना है, अर्थक्वेक। लिखते ही वो तुम्हारी नाक से कुछ ज्यादा ही घी बह गया, इसलिए तुम भी टैलेंट हो रहे हो। हेलो देखो 10 मार्क्स मिल गए, हम लास्ट से फर्स्ट हो गए। लगता है ये घी मास्टर टैलेंट हो रहा है। अरे मुझे घी मास्टर बोल दो, तुम लोग को मैं पत्थर से मारूंगा। हे यार चुप कर भैया, ये सच में मार देगा। अभी क्वेश्चन में फोकस कीजिए। नेम एन अमेरिकन फुटबॉल पोजीशन। अरे ये कौन सा पोजीशन होता है जो अमेरिका वाले निकाल के आ गए? ओए यार ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं। इसका आंसर मुझे पता है, सकर, फुटबॉल को सकर बोलते हैं। ओए लगता है तू आंसर नहीं क्वेश्चन कोई गलत पढ़ बैठा। ओए वो नहीं था, ओए फिर से लटक गए। अरे फिर से लटक गए, फिर से मुझे आना होगा। चलो चलो आगे बढ़ो।
हे यार मैडम जी आ गए फिर से यार, एकदम मदद कर दिया और हमने सेक्शन 1 पास कर दिया भैया। ओ यार बहुत मुश्किल था लेकिन पास कर दिया। मैम समथिंग यू फील विद एयर, अबे गुब्बारा जिसको हम यार एकदम हवा से भरते हैं, एयर मानिए हवा है ना होगी। बिल्कुल सही जवाब भैया, और इसका मिलता है 6 मार्क्स। अरे ये हुई ना बात, हम लोग सबसे आगे है, हम लोग इस बार का क्लास का टॉपर बन जाएंगे। हे बिल्कुल सही, नेम अ कंट्री इन यूरोप, ई यूरोप, यूरोप मानी तो हम अभी बैठ रहे हैं डेनमार्क में। चलो डेनमार्क लिख देते हैं, डेनमार्क, लेकिन ये स्पेलिंग सही है नहीं? ओ यार डेनमार्क आया है, स्पेलिंग चेक कर रहा है, बिल्कुल सही है, और हम लोग फिर से आगे बढ़ गए। बचाइए यार, हम तो सही में सही जवाब देते ही जा रहे हैं, आगे ही बढ़ गए। चिल्लू लगता है ये लास्ट क्वेश्चन ही, नेम अ कंट्री विद स्टार एंड इट्स फ्लैग, और मतलब कि जिसके झंडे में वो तारा हो। हे भैया बोले तो तारा रारा, ऑस्ट्रेलिया के झंडे में भी तो तारा होते है भैया। ओ तो लिख देना तो फिर। हे भैया लिख भी दिया, ऑस्ट्रेलिया 9 मार्क्स मिल गए यार, हम तो सबसे ऊपर। ओए सबके सब गिर गए, ओए लगता है हम लोग फर्स्ट हो गए। ए लगते हैं हम लोग ने गेम पास कर दिया। अरे मुने कभी सोचा नहीं था ये फेल लोग भी पास हो जाएंगे, चलो चलो कांग्रेचुलेशन। अरे हम लोग तो पास हो गए। अरे तुम लोग तो यार कमाल के बापूजी निकले। अरे यार धन्यवाद हो तुम लोग का। हे यार बेटे, मैंने बोला ना बाप बाप उतर, बेटे बेटे देख नया पेंसिल मिल गया इसी खुशियाली में। आज तो दोस्तों यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, 1K यार टारगेट रखते हैं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके फिर से बेल नोटिफिकेशन को दबा दो यार। हे दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।